हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका वर्ल्ड एनिमी ब्रोस चैनल पर। आज हम देखेंगे फेक फेरी के एपिसोड नंबर 1 को। तो चलो जानते हैं एपिसोड नंबर 1 की कहानी को बिना किसी देरी के। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम चोरों के ग्रुप को घात लगाए हुए देखते हैं। तभी उनमें से एक बंदा जोर जोर से खर्राटे लेने लगता है, जिस पर उनका लीडर उसके सर पे एक जोरदार टपली मारते हुए बोलता है, अबे क्या तू मरवाना चाहता है? हम घात लगाकर हमला करने की योजना बना रहे हैं, और तो तू क्या चुप नहीं रह सकता? हाँ मुझे माफ करें वर्दरियू, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आज सुबह भी तुम्हारी आवाज़ के कारण जिन लोगों पर हम हमला करने वाले थे वह लोग भी डरकर भाग गए थे। वह बंदा कहता है, क्योंकि आप केवल अमीरों को लूटना चाहते थे, इस वजह से हम अब तक कुछ नहीं कर सके। तभी उनका तीसरा साथी बोलता है, वर्दरियू इसमें गो की कोई गलती नहीं है, हम सब ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। वर्दरियू बोलता है, हम शुरू से ही लुटेरे नहीं थे, हम इस साल की आए हुए डिजास्टर में बेघर हो गए हैं। हम आम लोगों को लूट नहीं सकते, इससे वे लोग भी बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन रिच फैमिली के लिए यह अलग बात है। हम इसे कर्जे के तौर पर ले सकते हैं, और जब ये बुरे दिन खत्म हो जाएंगे तो हम इसे वापस लौटा सकते हैं। सभी लोग कृपया थोड़ा और पेशेंस रखें, हम आखिरकार इस नरक से बाहर निकल जाएंगे, और अब केवल अच्छे दिन ही हमारा इंतजार कर रहे हैं। तभी पिक्चर से एक बंदा बोलता है, हाँ हाँ ब्रदर यू सही है, हमें धैर्य रखना चाहिए, सभी लोग खुश हो जाएं, इसके बाद हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तभी अपना ब्रदर यू अपना वेपन उसके गर्दन पर रख कर बोलता है, अबे तू कौन है वे, मैं तो तेरे को नहीं जानता। ब्रदर यू, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी अभी हाल ही में शामिल हुआ हूँ, और मेरा नाम जैक है। यू गुस्से में बोलता है, यह बकवास है, हम सभी एक ही गांव से बिलोंग करते हैं, और मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। जैक अपने मन में बोलता है, चलो देखें कि इस लड़के को धोखा देना आसान है या नहीं। जैक यू से कहता है, मैं अपने दूर के चचेरे भाई लूचेंग के माध्यम से शामिल हुआ हूँ, जो मेरे दूसरे दादा चाचा के पास अगले गांव में रहता है। क्योंकि मैं आधे रास्ते में ही आपसे जुड़ गया था, इसलिए आप लोगों को अपना परिचय देने का कोई मौका नहीं मिला। क्या बोला तू, अगले गांव का लूचेंग? तभी यू एकदम से जोरों से हंसते हुए कहता है, तो आप उस लूचेंग लड़के के रिश्तेदार हैं? अच्छा अच्छा, आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, मैंने तो तुमको लगभग लोकल पुलिस में से एक समझ लिया था। तभी वो खर्राटे वाला बंदा बोलता है, लूचेंग और भाई यू बहुत ही करीबी हैं। भाई यू उधर हलचल हो रही है, ऐसा लगता है कि यह एक रिच फैमिली है और वो सीधा हमारी तरफ ही आ रहे हैं। यू अपने साथी लोगों से कहता है, हमारा मौका आ गया है, सब लोग तैयार हो जाओ। सौभाग्य से हम संख्या में उनसे ज्यादा हैं, जब तक वे करीब ना आ जाएं तब तक इंतजार करें, फिर जब वे अपनी हिफाजत कम कर देंगे तब हम उन पर हमला करेंगे और उन्हें मार डालेंगे। विर्दर यू अपना मास्क पहनकर जैक से बोलता है, ओए नौसिकिये तुम्हें भी अपना सर्वश्रेष्ठ करना होगा। यू हैरान होकर बोलता है, अब ये कहाँ गया? भाई यू आप चिंता न करें, मैं उन्हें रोक दूंगा। सभी लोग जैक को देखकर बोलते हैं, और क्या लूचेंग के रिश्तेदार इतने बहादुर हैं? वो वड्डा अपने साथियों से कहता है, सभी लोग रुक जाओ, आप कौन है? यह काफिला वाउंड संप्रदाय का सामान ले जा रहा है, तुम हमारा समय बर्बाद कर रहे हो, इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह सुनकर जैक अपने मन में बोलता है, क्या यह सचमुच वाउंड संप्रदाय का काफिला है? अरे नहीं, यहाँ थोड़ी परेशानी हो सकती है। वो बड्डा बोलता है, अबे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करना चाहते हैं। यदि आप मेरी सड़क से गुजरना चाहते हैं तो आपको पहले मुझे भुगतान करना होगा। जिस पर उस बूढ़े का साथी हंसते हुए बोलता है, अबे पागल, यह पहली बार है कि मैं किसी व्यक्ति को इस तरह से लूटने के बारे में सुन रहा हूँ, तुम सच में बहुत ही मजाकिया हो यंग ब्रदर। यह सुनकर जैक जोर से हंसते हुए बोलता है, अपनी आंखें खोलकर स्पष्ट रूप से देखो, मेरा बॉस वहाँ पीछे झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। अरे नहीं डैम, उस आदमी ने हमें बेनकाब कर दिया, और बाकी सभी लोग पेड़ों के पीछे छुपे हुए हैं, उनमें से कुछ पत्थरों के पीछे। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूलें, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।